बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चाप, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने चाप को बॉईल कर लिया है, नमक और हल्दी डाल के इसे बॉईल कर लिया है। अब इसका हम मसाला चढ़ाएंगे, इसके लिए तैयारी करते हैं। पहले हम ले लेंगे दही, ये 4 टेबलस्पून ले लिया है हमने दही। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। मसाले में हम नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल में डाला था। 1 टीस्पून करीब नमक डालेंगे। हल्दी, ये जीरा है, जीरे को हमने भून लिया था पहले तवे पे और उसे ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, ये देसी है, देसी मिर्च 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। बस हम मटन चाप का मसाला डालेंगे, ये रेडीमेड है। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन रस, नींबू का जूस डालेंगे, 2 नींबू है और इसमें हम थोड़ा सा संचर डालेंगे, पिंक सॉल्ट डालते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ये आमचूर पाउडर है वो डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और तस पाउडर डालेंगे। तस को ग्राइंड कर लिया है, तर्स पाउडर डालेंगे, तर्स पाउडर से थोड़ा फ्लेवर आएगा। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अब चाप, सभी चाप डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसाला चढ़ा देंगे चाप के ऊपर। आप चाहे तो बकरे की भी चाप ले सकते हैं, आपको जो पसंद है। अब हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है और चाप पे भी अच्छी तरह से मसाला चढ़ा दिया है। आप चाहे तो ये प्रोसेस अगले दिन कर सकते हैं ताकि मसाला अंदर तक पेवस हो जाए, अभी मेरे पास वक्त नहीं था। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। आप चाहे तो ओवन में रख सकते हैं या तवे में बना सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसे हम चाप फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अब हम पलटा देंगे, एक साइड से सेकेंगे, फ्राई करेंगे। बिल्कुल हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जले ना ऊपर से। अब इसे हम डिश आउट करेंगे।
आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े की फ्राई हुई है। आप लोग भी इसी तरह ट्राई करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।